हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस की सीरीज का पार्ट 99 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बैंक और ऑल एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आज का थॉट जान लेते हैं। आज का थॉट है लाइफ विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द बेस्ट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जीवन हमेशा सर्वश्रेष्ठ की दिशा में आगे बढ़ेगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 2015 से लेकर 16 का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य था? बताइए दोस्तों कौन सा राज्य है वह है? तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। ओके, वर्ष 2016 से लेकर 17 के जो चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य था उत्तर प्रदेश, और इसमें कितना परसेंट था दोस्तों उसका? वह था 41.1%। और इसके बाद फिर था दोस्तों महाराष्ट्र, जो कि था 14.4%, और कर्नाटक का परसेंट कितना है? तो दोस्तों वह है 6.7% का स्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? बताइए दोस्तों, तो वह है कपास। ओके दोस्तों, ये जो है दक्कन के पठार, इनके जो क्षेत्र है इस पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, और काली मिट्टी जो है कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसल है वह है दोस्तों कपास। और इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण ये जो क्षेत्र है गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल बन गया है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए कहाँ पर होता है? तो दोस्तों वह है पश्चिम बंगाल। ओके, वर्ष 2015 से लेकर 16 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जूट उत्पादन जो कि कितना है? 7,667। और इसके बाद दोस्तों है बिहार, जो कि है 1,362,000 गांठे। उसके बाद है दोस्तों असम, जो कि 866,000 गांठे, तथा ओडिशा जो है दोस्तों ये कितना है? 15,000 गांठे। इनका स्थान है क्रमवाइज। और दोस्तों 2016 से लेकर 17 में जो है तीन शीर्ष जूट व मेस्ता उत्पादक राज्य है कौन कौन से वह? तो दोस्तों पहला है पश्चिम बंगाल, जो कि है 7.9 मिलियन गांठे। फिर आता है दोस्तों बिहार, जो कि है 1.7 मिलियन गांठे। उसके बाद आता है दोस्तों असम, जो कि है 0.8 मिलियन गांठे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का सबसे ज्यादा भाग कौन सी फसल उगाता है? बताइए दोस्तों, तो वह है दोस्तों गन्ना। ओके, विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग है गन्ना की फसल, ठीक है, गन्ने की फसल उगाता है, और गन्ने की खेती जो है भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। जैसे कौन कौन से है वह क्षेत्र? दोस्तों तो वह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, ठीक है। और राज्यों में जो है बड़े स्तर पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ना उत्पादन में जो भारत का है कौन सा स्थान है बताइए? तो दोस्तों वह है दूसरा, और फर्स्ट पे कौन है? तो दोस्तों वह है ब्राज़ील, ठीक है। और दोस्तों भारत के जो सर्वाधिक भाग है उस पर किसकी खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है, डिफरेंट बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा है वह? तो दोस्तों वह है चावल। ओके दोस्तों, चावल जो है एक खाद्यान्न है, जबकि कॉफी, तंबाकू और गन्ना ये बगानी एवं नकदी फसलें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताइए, तो वह है माउंट एवरेस्ट। ओके, पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों वह है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए? तो दोस्तों वह है 8,848 मीटर, और फीट में कितनी है? तो दोस्तों वह है 29,028 हंड्रेड, ठीक है, फीट है। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह है नेपाल में स्थित। और जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, या फिर K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है दोस्तों, तो वह है 8,611
11 मीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बताइए दोस्तों, तो वह स्थित है प्रशांत महासागर में। ओके, मारियाना या चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला हुआ है और इसकी उत्पत्ति जो है प्लेटो के क्षेपण से हुई थी। इसके अनुमति जो गहराई है दोस्तों वह कितनी है बताइए, तो वह है 11,033 मीटर, ठीक है। और ये जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? बताइए दोस्तों, तो वह जोड़ती है लाल सागर से। ओके, स्वेज नहर जो है दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और ये जो है मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसकी लंबाई कितनी है बताइए, तो दोस्तों वह है 164 किलोमीटर और लेंथ चौड़ाई है 300 मीटर, ठीक है। और ये जो दोस्तों नहर है इसको वर्ष 1969 में जहाज़ों के आवागमन हेतु खोला गया था और इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में तेव की बंदरगाह और उत्तर सिरे पर कौन सा है स्थित बताइए, तो दोस्तों वह है पोर्ट सैयद। ये दोनों बंदरगाह स्थित है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैश से हिमनदी यानी ग्लेशियर बनती है, बताइए किससे बनता है? तो दोस्तों वह है बर्फ का जमाव, ठीक है, इस कारण से होता है। हिमनदी यानी जो ग्लेशियर है बर्फ पानी चट्टान और तलछट की संग्रह है जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण प्रवाहित होती है। और हिमनदी के जो न्यूनतम आकार है उसका मानक क्या है दोस्तों बताइए, तो वह है 0.1 वर्ग किलोमीटर, लगभग 25 एकड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बताइए दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे वह है कलर सफ़ेद और नीला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है वह है? तो दोस्तों वह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक है प्रकाश की निर्वात में चाल का अनुपात होती है और जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण के जय क्या करते हैं, अपवर्तन कोण के जय के अनुपात को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का क्या होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है अपवर्तनांक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी कहलाते होंगे वह जानते होंगे क्या कहलाता है वह, तो दोस्तों वह कहलाता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है बताइए दोस्तों, इनमें से किसकी है कम? तो दोस्तों वह है लाल रंग यानी रेड कलर। लाल रंग की जो आवृत्ति है सबसे कम और जो बैंगनी रंग है दोस्तों इसकी जो आवृत्ति है सबसे ज़्यादा होती है। और लाल रंग का तरंग धैर्य जो सर्वाधिक और बैंगनी रंग का जो तरंग धैर्य है वह होता है सबसे कम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है बताइए दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो वह है दोस्तों वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, इसमें जो है दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा और सीधा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बना जाता है, ठीक है। इससे दोस्तों ये है साफ साफ कि जो उत्तल दर्पण है उसकी दृष्टि जो है जो उसका दृष्टि क्षेत्र है वह होता है अधिक और इसका उपयोग मोटर गाड़ियों में चालक के बगल से पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है और सड़क पर लगे परवर्तक लैंपों में इसका प्रयोग होता है क्योंकि ये जो है प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और क्वेश्चन के लिए SSC मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये बाइफोकल है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो दोस्तों वह किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके दोस्तों, बाइफोकल लेंस का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इसमें क्या है दोस्तों, जो निकट दृष्टि है उसके साथ साथ दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या होता है, बाइफोकल लेंसों वाले चश्मों का प्रयोग करता है, जिसमें क्या होता है, ऊपरी भाग दूरदृष्टि के लिए प्रयुक्त अवतल लेंस का बना होता है और निचला भाग जो है पढ़ने के प्रयोजन से प्रयुक्त उत्तल लेंस का बना होता है। याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे की जंग डैश होती है, बताइए दोस्तों कौन सी रिएक्शन होता है उसमें? तो दोस्तों वह है रासायनिक प्रक्रिया। ओके लोहे की जंग जो है एक प्रकार का लोहे का ऑक्साइड है जो लाल रंग का होता है, और जंग लगना वास्तव में एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, और लोहे में जंग लगने से कैसे समीकरण बनता है बताइयो, बताइए दोस्तों कैसे स्पष्ट करते हैं उसको? तो वह है 4Fe+6H2O+3O2। तो दोस्तों ये समीकरण बनाते हैं 4FeOH3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है लोहे की जल तथा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, जो निर्जलीकरण द्वारा जंग किसमें परिवर्तित हो जाता है, Fe2O3NH2O। ठीक है, इसमें परिवर्तित हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैल्वनाइज्ड लोहा क्या होता है, बताइए दोस्तों? तो वह है दोस्तों स्टील का एक रूप। ठीक है, लोहे की चादरों को जंग से बचाने के लिए इन पर जो है दोस्तों जिंक की परतों का लेपन किया जाता है, और इस प्रकार जो है जिंक की परत युक्त लोहे को गैल्वनाइज्ड लोहा कहा जाता है, तथा इस प्रकार की जो लेपन की प्रक्रिया है वह कहलाती है दोस्तों गैल्वनाइजेशन। और इस जो क्या होता है इसमें दोस्तों, इससे चढ़ी जो जिंक की परत है उसमें जिंक वायुमंडल को ऑक्सीजन यानी कि O2 से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड यानी कि दोस्तों ZnO, ठीक है, ये बनाता है, जो पुनः वायु के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक जिंक कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है ZnCO3, ठीक है दोस्तों, ये बनाता है, जो क्या करता है, ग्रे रंग की परत के रूप में गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर दिखाई देता है, याद रखिएगा दोस्तों उस पर जिंक भी लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है, बताइए दोस्तों? तो वह है दोस्तों मिश्र धातु। ओके स्टेनलेस स्टील दोस्तों एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम निकेल तथा मोलिब्डेनम इसके साथ साथ 0.1 से लेकर 1% तक कार्बन मिश्रित रहता है। और स्टेनलेस स्टील की खोज किसने की थी बताइए दोस्तों? तो वह की थी 1913 में हैरी बियर्डली ने, जब उन्होंने पिघले हुए लोहे में क्रोमियम धातु को मिश्रित किया, तब एक ऐसी मिश्र धातु प्राप्त की है जो कि जंगरोधी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला बताना है दोस्तों? तो वह है O3। ठीक है दोस्तों, ओजोन क्या है, एक प्राकृतिक गैस है जो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और ये गैस जो है 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से बनती है। इसका सूत्र है दोस्तों O3, और समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित ये गैस जो है सूर्य के विकिरण में मौजूद हानिकारक पेरिबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है, बताइए दोस्तों? तो वह है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, जिसका प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों जैसे कि केक बिस्किट आदि बनाने में किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? वह है NaHCO3, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉप 20 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और SSC मेकर को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।